नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य खबरों में, बीते दिनों पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। युवा परीक्षाओं में धांधली को रोकने को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। आज दर्जनों युवाओं ने पिथौरागढ़ रामला मैदान में 4 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन कर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर CBI जाँच करने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली होते आ रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस तरह की धांधली को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने सहित अन्य मांग की है। मांग पर गौर न करने पर उन्होंने सभी युवाओं को साथ लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश धामी, नरेंद्र अन्ना, नवीन बोरा, शांतनु, पीयूष चंद, सुरेश रावल, प्रकाश पांडे, रवि कन्याल, रेखा, पुष्पा, कविता सहित दर्जनों युवा शामिल थे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NHPC सभागार से वर्चुअल माध्यम से बागेश्वर उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर जनपद के बालीघाट धर्मगढ़ सड़क का जीर्णोद्धार किए जाने, गोलू मार्केट गरुड़ का विनियमितीकरण किए जाने एवं बागेश्वर में खेल मैदान निर्माण किए जाने की घोषणा की। साथ ही विधानसभा बागेश्वर के अंतर्गत 1085.17 लाख की 12 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान CM धामी ने कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को याद दिलाता है। इस तरह के सांस्कृतिक मेले हमारी लुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान कर रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत रहने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि के लोक पर्व उत्तरायणी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित अन्य जैन प्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित। चंपावत जनपद भ्रमण पर टनकपुर में पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट पर मां शारदा की आरती कर प्रदेश के सुख और शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने शारदा घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित करने की और संध्याकालीन आरती में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहने की बात कही। इससे पूर्व CM धामी ने शारदा नदी किनारे 607.48 लाख की लागत से आपदा न्यूनीकरण मद के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी, पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मकर संक्रांति पर्व पर मनाए जाने वाले गुतिया त्यौहार की तैयारियां जारी रही। गुती त्यौहार को लेकर जनपद में कल यानी रविवार को बच्चों द्वारा गले में माला पहनकर कौओं को बुलाया जाएगा, जिसको लेकर आज घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान आदि बनाए गए, जिसमें बच्चों द्वारा भी सहयोग किया गया। त्यौहार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मकर संक्रांति को जिले के नदी तट पर स्थित मंदिरों में स्नान के लिए मंदिरों रामेश्वर, पंचेश्वर, बालेश्वर, तालेश्वर, हंसेश्वर, सेराघाट आदि मंदिरों में खासी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कई मंदिरों में तो आज शाम से ही श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। मंदिरों में भजन कीर्तन से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना रहा। इधर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित सेराघाट में उत्तरायणी पर्व पर लगने वाले मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सेराघाट में 2 दिवसीय उत्तरायणी को अधिक शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भैंसिया छाना व्यापार मंडल ने उप जिलाधिकारी को एक पत्र सौंप पुलिस व्यवस्था व मेले के दौरान मदिरा की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की। पत्र में समस्त व्यापार मंडल पदाधिकारियों और सदस्यों के हस्ताक्षर शामिल हैं। पिथौरागढ़ के सोरगढ़ किले में भाव राग ताल नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी मूवमेंट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर आहा केंद्र निदेशक अनिता जोशी, प्रशिक्षक कैलाश कुमार, रोहित, विप्लव भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। और
पिथौरागढ़ में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जनपद भर में यातायात व पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वाहन स्वामी और चालकों तथा अन्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। यहां जिला मुख्यालय में यातायात उप निरीक्षक दरबान सिंह की अगुवाई में सड़क सुरक्षा सप्ताह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यातायात कर्मियों द्वारा विभिन्न टैक्सी स्टैंडों सहित अन्य स्थानों पर यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ लोगों को भी जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार वांछित इनामी मफरूर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बीते लंबे समय से इलाकों की धोखाधड़ी करने वाले 10,000 के आरोपियों को पुलिस ने गुड़गांव हरियाणा और बागेश्वर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते फरवरी 2013 को गोविंद सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी निश्चल जैन पुत्र पीके जैन निवासी नई दिल्ली को ठेकेदारी निर्माण कार्य सामग्री के लिए 8,05,000 रुपये लेने व सामान न देकर धोखाधड़ी करने के संबंध में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिस पर SI शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सर्विस लांस की मदद से जानकारी जुटाते हुए आरोपी निश्चल जैन को गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में बीते वर्ष जनवरी माह में जोगा सिंह केडी जोशी व अन्य मेडलुंगरी ग्रामीणों द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी मनोज नैनवाल पुत्र हरीश नैरवाल निवासी दुर्गापुरी रामनगर नैनीताल के खिलाफ तहरीर देकर बताया गया कि आरोपी द्वारा 147 किसानों को प्रलोभन देकर फ्री सोलर फेंसिंग करने की बात कहकर 5,76,325 रुपये की धोखाधड़ी की गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले के एक आरोपी मनोज नैनवाल को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचना के दौरान एक अन्य आरोपी अजय कुमार पुत्र राजेंद्र राम निवासी बजेटी का नाम प्रकाश में आने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 का इनाम घोषित किया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सर्विस लांस की मदद से जानकारी जुटाते हुए दबिज देकर आरोपी को पहराड़ी टैक्सी स्टैंड बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।